अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कारचोक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफी अच्छी प्राइस में काफी अच्छी गाड़ी। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सुजुकी हस्टर। गाड़ी की अगर बात करें डिटेलिंग की तो खास तौर पे इसकी अगर शेप की बात करें तो पाकिस्तान में काफी मशहूर है ये मिनी हमर, इसको कहते हैं ज्यादातर लोग जब ये सड़क पर चल रही होती है तो, क्योंकि इसकी शेप टोटली एक हाइट की जो है हमर जैसी लगती है और जो इसका फ्रंट है वो भी जो है वो एक तरीके से हमर से मिलता जुलता आता है। ये तो अभी इन्होंने फेस लिफ्ट कर दी है गाड़ी की, इससे पहले जो मॉडल आता था उसमें आपको जो है दरमियान में जो है वो उसकी जो ग्रिल होती थी उसमें आपको जो है वो इसकी लुक देखते साथ पता चल जाता था कि ये जो है वो ऐसा लग रहा है कि मिनी हमर आ रही है। ये गाड़ी जो है फॉर सेल भी है और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये डिमांड की जा रही है 36,50,000 रुपीज। गाड़ी की अगर मॉडल की बात करें तो 2021 मॉडल है और गाड़ी की अगर माइलेज की बात करें तो 27,000 किलोमीटर गाड़ी ड्रिवन है। गाड़ी की अगर इंपोर्ट की बात करें तो 2024 में ये गाड़ी इंपोर्ट हुई है और कारचोक पे गाड़ी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। गाड़ी की सबसे पहले फ्रंट पे आ जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है काफी खूबसूरत सर्कल में जो है वो इसमें हेडलाइट दी गई है जिसमें आपको जो है प्रोजेक्टर नहीं दिया, आपको हेलोजन इसमें प्रोवाइड किया गया। उसके साथ ही लाइट के अंदर ही आपको जो है इसी शेप में इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी की अगर बात करें दरमियान में आ जाए तो आपको सुजुकी का मोनोग्राम मिल जाता है और उसके साथ आपको जो है वो ग्रिल मिल जाती है इसके साथ, जिसमें आपको जो दो पॉइंट्स जो है वो दिए जो एयर वेंटिलेशन हो सके, क्योंकि गाड़ी की जो है वो बम्पर अगर बात करें फेस लिफ्ट में काफी जो है वो बड़ा बम्पर है। उसमें जो डिजाइन इस तरह है कि जिसमें आपके साथ साथ ग्रिल्स की टचिंग भी है और साथ के साथ आपको जो है वो उसमें बम्पर की प्लास्टिक की टचिंग भी है, तो इसमें आपको ऊपर एयर वेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपको दरमियान में ग्रिल की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो है दरमियान में एयर वेंट्स मिल जाते हैं। उसके साथ नीचे आ जाएं तो एसी की जो ग्रिल है उसके लिए आपको जो काफी ज्यादा इन्होंने स्पेस दी है, तो मेरे ख्याल से जो है वो काफी जो है वो बेस्ट है एयर वेंटिलेशन के लिहाज से। गाड़ी की अगर पैकेज की बात करें तो ये जो है वो एक्स पैकेज है और गाड़ी की अगर कलर की बात करें तो मेटालिक ग्रीन कलर में जो है आपको गाड़ी जो है वो प्रोवाइड है और गाड़ी में कोई टचिंग नहीं है, नीट एंड क्लीन गाड़ी है और जो है वो क्योंकि इम्पोर्टेड होते साथ ही पाकिस्तान में अभी तक गाड़ी नहीं चली। गाड़ी की अगर जो है वो टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये गाड़ी आपको जो है वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो मिलती है और 660 सीसी की कैटेगरी में। गाड़ी की अगर स्क्रीन की बात करें तो आपको मिनी स्क्रीन मिल जाती है, दो वाइपर्स आपको फ्रंट पे मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको जो है वो दो वाटर शावर्स इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, तो आपको जो है वो इस गाड़ी में 660 सीसी इंजन मिल जाता है। अगर इसके इंजन के डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें तो आपको 658 सीसी इसमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। गाड़ी में आपको जो है वो थ्री सिलेंडर जो है वो इसमें इंजन मिल जाता है और साथ ही साथ आपको सिंगल रेडिएटर मिल जाता है सिंगल फैन के साथ। गाड़ी की अगर टॉर्क की बात करें तो गाड़ी 92 Nm जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करती है और गाड़ी की अगर हॉर्स पावर की बात करें तो जो है वो 59 इसकी जो है वो हॉर्स पावर है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि आपको यहाँ पे सबसे पहले साइड पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर आपको हाइब्रिड की यहाँ पे बैच लगा हुआ है। उसके साथ गाड़ी के दराजों की अगर बात करें तो आपको इसमें क्रोम हैंडल नहीं मिलता, आपको इसमें जिस तरह गाड़ी का कलर है उसके साथ ही आपको इसमें हैंडल मिलते हैं। साथ के साथ दराजे में आपको जो है वो एक स्ट्रिप लाइन नजर आती है जो कि कर्व बना हुआ है इसका और काफी ज्यादा यही कर्व आपको जो है वो ऊपर भी इसमें देखने को मिल जाता है। अगर गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात करें साथ के साथ तो आपको इसमें 15 इंच के जो है वो स्टीलीज रिम मिल जाते हैं, इसमें अलॉय रिम्स आपको नहीं मिलते। और आपको जो अगर प्रोफाइल की बात करें तो उसमें आपको डनलॉप के टायर्स मिल जाते हैं। प्रोफाइल अगर करें बात तो आपको जो है वो 165/60R15 की जो है उसमें प्रोफाइल मिल जाती है। गाड़ी की अगर रिम पीसीडी की बात करें तो आपको जो है इसमें 100 PCD रिम्स की मिल जाती है और साथ साथ इसमें आपको फ्रंट पे जो है वो डिस्क ब्रेक्स जो है वो ABS के साथ मिल जाती है। गाड़ी की सबसे पहले बैक पे आ जाए तो टॉप साइड पे अगर देखें तो आपको इसमें जो है ब्रेक लैंप्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको वाटर शावर इसमें मिल जाता है जो कि बैक स्क्रीन का है। उसके साथ आपको एक सिंगल वाइपर पीछे मिल जाता है और आपको ब्लैक टिंटेड जो है वो ग्लास मिल जाता है। उसके साथ अगर बात करें गाड़ी के दरमियान की तो मिड में आपको जो है वो इसमें सुजुकी का मोनोग्राम मिल जाता है, साथ आपको जो है वो बोर्ड ओपन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने लेवर दिया हुआ है उसका। अगर इसके लैंप्स की बात करें तो आपको इसमें हमर टाइप के लुक के इसमें आपको जो है वो ब्रेक लैंप्स मिल जाते हैं। उसके साथ अगर राइट साइड पे आ जाएं तो आपको हस्टर का यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, मोनोग्राम मिल जाता है और साथ ही साथ इसको आपको पीछे हाइब्रिड का मोनोग्राम मिल जाता है। गाड़ी के बैक बम्पर साइड पे नीचे आपको जो है वो चार पार्किंग सेंसर इसमें मिल जाते हैं, साथ के साथ आपको दोनों साइड पे जो है वो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। नीचे साइड पे आपको जो है वो नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है और अगर उसकी बात करें बम्पर की मटेरियल की तो आपको जो है वो फाइबर में जो है वो ये इसका बम्पर मिल जाता है। गाड़ी के ट्रंक स्पेस की अगर बात करें तो आपको 27 लीटर का इसमें ट्रंक स्पेस मिल जाए जो कि काफी छोटा है। गाड़ी की अगर छोटे कम पैसेंजर उसमें तो उसके लिए जो है वो आप छोटे मोटा सामान इसमें रख सकते हैं।
अगर इन केस आपने जो है वो फैमिली आपकी छोटी है, दो तीन मेंबर्स हैं, तो आप जो है वो लेफ्ट सीट या राइट सीट को आप डाउन करके आप इसकी बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और साथ के साथ सीट के पीछे आपको जो है उन्होंने प्लास्टिक की फिनिशिंग दी है ताकि आप जो है वो आपके सीट का जो कपड़ा है वो डैमेज ना हो। अगर बात करें इस गाड़ी में आपको जो है वो स्पेयर व्हील नहीं मिलता और इसमें आपको जो है वो टायर प्रेशर किट मिल जाती है, आपको जो है इसमें जैक मिल जाता है और साथ के साथ आपको जो टो चेन होती है उसकी किट मिल जाती है। इसका फ्यूल टैंक आप जो है वो मैन्युअली ओपन नहीं कर सकते हैं और जो है वो अगर इसका अगर टैंक की कैपेसिटी की बात करें फ्यूल टैंक की, तो आपको जो है 27 लीटर का इसमें जो है वो फ्यूल टैंक मिल जाता है। अगर इस गाड़ी की एवरेज की बात करें तो 17 से लेकर 22 किलोमीटर आपको ये गाड़ी जो है वो फ्यूल एवरेज देती है। गाड़ी में आपको जो है वो ऑटो डिटेक्टेबल मेरे साइड मिरर्स मिल जाते हैं जो कि बटन के साथ अंदर से जो है वो कंट्रोल होते हैं। जब आप गाड़ी को लॉक करें तो उसके साथ जो है वो ऑटो क्लोज और ओपन नहीं होते। गाड़ी के अगर एंट्री की बात करें तो आपको इसमें जो है वो कीलेस एंट्री भी मिल जाती है और आपको की के साथ भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत सी गाड़ी है जिसमें आपको जो है वो सिर्फ आपको यहाँ पे सेंसर्स लगे होते हैं, आपको जो है की का ऑप्शन नहीं मिलता, जिसमें आपको वो भी मिल जाता है। और साथ के साथ आपको बटन भी मिल जाते हैं जिसके साथ आप जो है उसको प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो गाड़ी ओपन भी हो जाती है और क्लोज भी हो जाती है। गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप मेरा सिटिंग पोस्चर आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का सिटिंग पोस्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है। और सीट्स की अगर बात करें तो आपको जो है वो मैनुअली जो है वो सीट कंट्रोल मिला है जो आप मैनुअली इसको आगे और पीछे कर सकते हैं। साथ के साथ अगर बात करें इसकी सीट्स की तो आपको इसमें हीटेड सीट्स मिल जाती है, नॉट कूलिंग जस्ट हीटेड सीट। और गाड़ी की अगर जो है वो सीटिंग की लेवर की बात करें, स्पेस की बात करें, तो सब इसकी सीट पूरी पीछे हुई भी है और मैं बड़ा आसानी से जो है बैठा हूँ और मेरा पोस्चर जो है काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें इसकी स्टेयरिंग की तो अगर स्टेयरिंग इसका नीचे मैनुअली तौर पे आप इसको नीचे कर सकते हैं तो नीचे करके भी मेरे घुटनों के साथ टच नहीं हो रहा, तो आसानी से जो है वो अगर हेल्दी पर्सन भी हो तो वो भी बैठे तो उसके लिए एक मसला नहीं हो सकता। स्टेयरिंग में आपको एक एयर बैग मिल जाता है, साथ के साथ आपको राइट साइड पे कुछ भी नहीं मिलता, लेफ्ट साइड पे आपको जो है मल्टीमीडिया का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप जो है वो अपना हाइब्रिड मोड से इंजन मोड और जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। साथ के साथ आप जो है इनको जो है आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो आपको डैशबोर्ड में काफ़ी अच्छा इसका जो है छोटा सा डैशबोर्ड मिल जाता है, उसमें आपको एक एयर बैग लेफ्ट साइड पर मिल जाता है। उसके साथ अगर राइट साइड पर आ जाए तो आपको यहाँ पे एयर वेंट्स ऊपर दो मिल जाते हैं, दो एयर वेंट्स आपको जो है वो इस तरह मिल जाते हैं नीचली साइड पे और आप उसको जो है ओपन और क्लोज यहाँ से कर सकते हैं मैनुअली। उसके साथ आपको जो है वो ट्रिप का इन्फो का और जो है आपको जो है वो हाई और लो जो है वो आरपीएम का जो है ऑप्शन मिल जाता है। जो ये इन्फो है ये साथ के साथ आपकी जो मीटर में आरपीएम और आपकी क्लॉक और आपकी जो ट्रिप्स वगैरह वो आपको जो है इन्फो देता है जो आपको मीटर में छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले इन्होंने दिया हुआ है उसके बारे में साथ के साथ बात करेंगे। उसके साथ अगर नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो आपको जो है वो इसमें ऑटो जो है वो सारे सेंसर्स का ऑप्शन मिल जाता है। साथ इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स जो है इसके इंक्लूडेड हैं बैक के और फ्रंट के, वो उसमें उसका बटन यहाँ पे मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो आपको उसको रोड की जो लाइंस है उसको फॉलो करने का ऑप्शन मिल जाता है। राइट साइड पे नीचे आपको अट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है और लेफ्ट साइड पे फ्रंट का जो है अगर आप गाड़ी ड्राइव करें आगे कोई गाड़ी आती है तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग का भी बटन मिल जाता है। और अगर इसकी जो हेडलाइट के जो सेंसर्स हैं जो आपकी विजिबिलिटी है उसको अप एंड डाउन करने के लिए आपको जो है वो मैनुअली यहाँ पे इसको इन्होंने आपको जॉयस्टिक दी है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी में आपको जो है वो पुश स्टार्ट मिल जाता है साथ के साथ। और अगर इसके डिस्प्ले की वेलकम की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत इसका जो है वो मिनी सा डिस्प्ले है। राइट साइड पर आपको एक डिजिटल जो है वो छोटा डिस्प्ले मिल जाता है और आपको जो है वो मैनुअली तौर पे स्पीडोमीटर आपको उसमें देखने को मिल जाता है। गाड़ी की अगर टॉप स्पीड की बात करें मीटर के अंदर तो आपको 140 जो है उसकी टॉप स्पीड बताई जाती है। और अगर गाड़ी के सेंसर्स की ओवरऑल बात करें तो वो भी सारा आपको उसमें जो है वो मीटर बताता है। राइट साइड पर एक डिजिटल जो आपको ऑप्शन दिया है उस यहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उसमें इन्फो के थ्रू आप जो है वो अपनी ट्रिप्स, आपकी पार्किंग, आपकी जो हाइब्रिड की और आपकी जो बैटरी की कंडीशन है वो आप इसमें जो है वो चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी माइलेज और आप जो है वो रेंज भी यहाँ इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। गाड़ी की आपको अगर गेज की बात करें तो फ्यूल गेज भी आपको इसमें डिजिटल जो है वो मिल जाती है। और अगर गाड़ी की जो है वो क्लाइमेट की बात करें तो वो भी आपको साथ ही साथ जो है बताती है, जितना भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का टेम्परेचर है तो वो भी गाड़ी मैंशन कर रही है। और लेफ्ट साइड पर आपको जो है वो टाइम का ऑप्शन मिल जाता है। गाड़ी के अगर डैशबोर्ड की बात करें तो उसमें आपको 2-टोन जो है डैशबोर्ड मिल जाता है। साथ के साथ ऊपर आपको टेन में जो है फिनिशिंग मिलती है, ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे आपको बबल्स में और साथ के साथ आपको जो है वो स्क्रीन सर्कल्स इसमें मिलते हैं जो कि वाइट कलर की कॉम्बिनेशन के साथ है, वाइट और ब्लैक के। अच्छा, इसमें मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि इसके जो एसी के वेंट्स हैं दो, एक आपको राइट साइड पे इधर मिल जाता है, एक आपको इधर मिल जाता है और दो आपको जो है पैसेंजर साइड पे मिल जाते हैं। जो गाड़ियाँ ज़्यादातर जापानीज और लोकल्स उसमें आपको दो वेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है कि बजाय कि आप जो है वो एक वो साइड पे करें, आप जो है उसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है। दरमियान में अगर आ जाएं तो आपको इसमें जो है वो 7 इंच की जो है पॉइंटर की जो है वो LED जो है वो टच डिस्प्ले मिल जाता है।
और जो है वो आप इसको जो है यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आप इसको टच जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको वो कर सकते हैं। नीचे आपको इसी में आपको हैजर्ड का बटन मिल जाता है, और साथ ही साथ अगर इस साइड पे आ जाएं तो आपको इसमें जो है वो आपका टिश्यू बॉक्स और आपको छोटा मोटा सामान रखने के लिए इसमें इन्होंने छोटा सा बॉक्स दिया, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। नीचे भी आपको जो काफ़ी अच्छी इसमें स्टोरेज मिल जाती है, क्योंकि ऊपर आपको डैशबोर्ड में काफ़ी इसमें अच्छी स्टोरेज है, नीचे भी है, ऊपर भी है, उसके साथ नीचे आपको इसमें बॉक्स में भी है। अच्छा, अगर बात करें साइड तो आपको इसमें एक होल्डर मिल जाता है, आपको एक ड्राइविंग सीट वाली साइड पे होल्डर मिल जाता है, और आपको अगर नीचे की बात करें तो इसमें आपको जो है वो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और ऑटो जो है एसी और सेंसर्स वगैरह जो है इसके ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि जो है अगर लेफ्ट साइड पे हैं तो आप मैन्युअली इसके फैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर आपने गाड़ी को ऑटो हॉट एंड कूल करना है तो आप उस बटन को डाउन करेंगे तो ये एरो बना हुआ है कूल का, और अगर इसको अप करेंगे तो ये बना हुआ है हॉट का, ठीक है जी। उसके साथ अगर आ जाए नीचे साइड पे तो आपको फ्रंट की वेंट्स की और आपके डाउन फुट की वेंट्स की आपको जो इसमें वेंटिलेशन मिल जाती है एयर की, और साथ के साथ आपको बैक के डिफॉगर का ऑप्शन, फ्रंट के डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो ऑफ करना चाहते हैं तो उसका बटन मिला है, ऑफ करना चाहते हैं उसका बटन है, मैन्युअली एसी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका भी बटन है, और जो एसी के अंदर की वेंटिलेशन है उसको बरकरार रखने के लिए क्योंकि बाहर की एयर गाड़ी के अंदर ना आए तो उसका भी बटन आपको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। गाड़ी के अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, और साथ ही साथ फोर फॉरवर्ड जो है वो ये गाड़ी है। गाड़ी के लेफ्ट साइड पे अगर नॉब के आ जाएं तो यहाँ पे आपको कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है, आपकी जो नॉब की एक्सेस है वो काफ़ी इसमें अच्छी है, बजाय के नीचे आप किस तरह करें तो मुझे काफ़ी इसमें अच्छी चीज़ लगी है। गाड़ी के नीचे वाली साइड पे आ जाएं तो आपको जो है मैंने आपको बताया हीटिंग सीट्स इसमें जो है वो मौजूद हैं, तो इसमें लेफ्ट साइड पैसेंजर सीट और ड्राइविंग सीट दोनों का ऑप्शन अलग अलग इसमें नीचे दिया हुआ है। साथ के साथ आपको इसमें 12 वोल्ट जो है वो इसका और एक 120 वोल्ट का इसमें आपको जो है वो अडॉप्टर मिल जाता है, आप अडॉप्टर लगा के चार्जिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। गाड़ी के ऊपर साइड पे आपको जो है दो जिसमें शेड मिल जाते हैं, दोनों साइड पे आपको जो है वो इसमें मिरर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको दरमियान में जो है वो इसमें लाइट मिल जाती है अंदर के लिए, और साथ ही साथ दरमियान में मिरर आ जाता है, पीछे आपको रडार मिल जाता है, लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो इसमें डैश कैम मिल जाता है। अच्छा, अगर दरवाजे की बात करें तो आपको डोर पैनल्स में जो है वो चार बटन मिल जाते हैं चारों विंडो की कंट्रोल के, उसके साथ के साथ आपको डोर क्लोज करने का जिसमें जो है वो स्पेस दी हुई है, ऊपर आपको जो है ब्लैक कलर की फिनिशिंग सारे लेवर मिल जाते हैं। अच्छा, अगर इसकी बात की करें तो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक में जो है वो ये अवेलेबल है, और इसके अगर आगे बटन्स की बात करें थोड़ी सी तो मजीद जो है अंदर से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसके मिरर्स जो है वो अंदर से कंट्रोल होते हैं, अंदर से ऑन और अंदर से जो है वो ऑफ होते हैं। उसके साथ आपको जो है वो जॉयस्टिक इसमें मिल जाती है, अंदर वाला जो इसका मिरर है आप इसको जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपने लेफ्ट करना है तो लेफ्ट का ऑप्शन, राइट टू राइट का ऑप्शन मिल जाता है। चार स्पीकर आपको जो है वो दो स्पीकर आपको बैक में मिल जाते हैं, दो स्पीकर आपको फ्रंट के दोनों डोर्स में मिल जाते हैं। अच्छा, गाड़ी के अगर थोड़ी सिक्योरिटी सिस्टम की भी बात करें तो मैंने आपको कीलेस एंट्री का बताया है, साथ ही साथ आपको उसके सेंसर्स के बारे में भी बताया है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि इसके ग्लास के अंदर जो है वो आपको सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह के सेंसर्स भी मौजूद हैं। अगर आप इसका ज़्यादातर जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं, आपको पता है कि जो है बैक जो मिनी स्क्रीन है वो तोड़ी जाती है, उसके साथ गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इसमें अगर आप उसका कोई भी ग्लास ब्रेक करेंगे तो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अलार्म देना शुरू कर देगी, ये इसमें काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी है। अच्छा, गाड़ी की अगर बैक साइड पे आ जाएं तो बैक साइड के डोर पैनल्स में आपको जो है वो दो कप होल्डर्स की जगह मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको जो मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसमें आपको बैक पे स्पीकर मिल जाते हैं। स्पेस की अगर बात करें तो इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, अगली सीट जो पूरी पीछे हुई भी है तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी, कम से कम 4 से 5 इंच का जो है वो मेरे लेग्स के दरमियान जो है वो गैप है। गाड़ी में आपको जो है वो कालीन वाले चार मैट इसमें मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अगर इसकी सीट की बात करें तो काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल सीट है, पोस्चर बैठने का काफ़ी अच्छा है, और आपको जो है बैक साइड पे भी जो है उसकी सीट बेल्ट मिल जाती हैं, और दोनों साइड पे आपको जो बैक में एयर बैग्स भी मिल जाते हैं आर्म रेस्ट के लिए, सॉरी हेड रेस्ट के लिए। आपको इसमें जो है वो जितना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ये इसमें काफ़ी अच्छा मुझे ऑप्शन लगा। गाड़ी की अगर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको जो ट्रेलिंग आर्म जो है वो सस्पेंशन मिल जाता है। अगर गाड़ी की बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी हाइटेड गाड़ी है, जिस तरह इसकी ऊपर से हाइट है उस तरह ही गाड़ी की जो है वो नीचे से भी काफ़ी अच्छी मुझे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस लगी। गाड़ी की अगर वेट की बात करें तो 800 kg इस गाड़ी का वजन है, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि छोटी गाड़ी है उस लिहाज से, और इंजन की पावर के लिहाज से गाड़ी का वजन मुझे अच्छा लगा। अच्छा, गाड़ी की अगर डिमांड की बात करें, प्राइस की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग ऑलरेडी बताया था, फिर मैं आपको बता देता हूँ 3650 जो है वो इसकी जो है डिमांड की जा रही है। गाड़ी कार चौक पे अवेलेबल है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट पे जो है वो रब्ता करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।